अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद को तो आप सब खैर होंगे। तो दोस्तों आप लोग बोलोगे आन भाई आप इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बनाए थे। मेरे भाई ने एक दो वीडियो बनाई थी, उसके बाद से क्यों आए थे दोस्तों। मुझे ना हो रहे थे चिकन बॉक्स और चुकम दिल्ला, मेरा जो चिकन बॉक्स वो ठीक है, आपको तो पता है कराची में। और आप लोग बोलोगे आन भाई आप कहाँ कर रहे थे। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी छोटी सी कॉलोनिया टाइप समझ लें, इसको कहना चाहिए कॉलोनी, छोटा सा केज है, मास्टर केज आप इसको समझ लें। और जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास एक कॉकटेल, हमने पहले वाले कॉकटेल काटते चाले बिल्कुल नहीं काटते। और एक और सरप्राइज जो मेरे भाई ने आपको दिखाया हुआ वो है लॉटीनो। और आप लोग बोलेंगे आयान भैया आपकी फिंचेज और डायमंड डव कहाँ देखा डव ये रही। और आपको मैं एक और बैड न्यूज़ सुनाऊँ, दो डव उड़ गई थी, ये जो नहीं है तो गलती से मेरे भाई ने खुला छोड़ दिया था छोड़ के। और आपको एक और बैड न्यूज़ दूँ, हमारी दोनों जो दो फिंचेस, एक फिंच वो मर गए, जो नहीं उसके बच्चे बहुत सारे मर गए, या अंडे हैं या अंडे उनके भी बच्चे निकल मर गए। आपको मैं एक और सरप्राइज दिखाता हूँ, ये देखें। आप लोग बोलेंगे हैं एन भी आपके पास ये चार किसे, तो मेरे पापा जब कॉकटेल लाए थे ना तो ये भी लाए। अब मैं चाहता हूँ बाहर वो जो नहीं स्प्रे होता है इनको ठंडक देने के लिए वो स्प्रे लाता हूँ। दोस्तों आपको तो पता होगा कराची में कितनी है गर्मी, तो अभी मैं जाऊंगा वो स्प्रे ला कर ठंडा यख पानी, लेकिन नॉर्मल होगा पानी, ये जो जैसा आप देख सकते हैं इसे कहते हैं स्प्रे। अभी मैं जाऊंगा उनके ऊपर स्प्रे कर करूंगा कि उनको ठंडक मिले। तो अभी मैं आ चुका हूँ बाहर और अंदर चलते हैं मास अपने मिनी मास्टर केच, इसको हम थोड़ा सा कर देते ऊपर, मिनी मास्टर केज का दरवाज़ा, मिनी मास्टर केज भाई कोई परिंदा खुला है ना तो बहुत होती है फिक्र। अभी मैं सब पर करूँगा जैसा दे सकते स्प्रे, आपको मैं ना दिखाता हूँ मैं करना कैसे स्प्रे करता हूँ मिनी। चलो कॉकटेल, ये तो फिंचेज और ये नहाते हैं पानी में, इन पर तुम नहीं कर सकता क्योंकि इनके अंडे राशन ना मैं थोड़ा सा ना तीखा कर लेता हूँ क्योंकि ना भाई प्रेशर कुछ ज़्यादा ही तीखा हो गया भाई, ये वाला प्रेशर नहीं करना फ्रेंड, प्रेशर ना बहुत ज़्यादा हो गया, कभी कभार इसको इतना प्रेशर हो जाता है ना इनकी लगती बहुत ज़ोर से। मैं इनके हिसाब से मैंने प्रेशर अभी करा है इनको ठंडक देने के लिए, कॉकटेल्स बहुत डरते हैं ये, इनकी कॉलोनी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं इसको थोड़ा सा ना और इसको करता हूँ सफर, थोड़ा सा और इनको बस बंद करना है। कॉलोनी कॉलोनी जितनी होती है ना उतना गज्जू वो होते हैं अंडे बच्चे। अब इनका मैंने स्प्रे मारना स्टार्ट कर दिया, मैं ना अभी खोलता हूँ पिंजरा फिर ना मैं इनको स्प्रे करता हूँ, क्योंकि आप जैसा देख सकते हैं इतने सारे हमारी कॉलोनी है ना, इतनी फ्रेंड्स इतनी सारी कॉलोनी उसके खोल करनी हूँ। अभी मैं इनका जो नहीं पिंजरा खोला, इनको सबको मारो, तुम लोग कॉकटेल बहुत डरते हैं फ्रेंड्स, सुपर मारो, लॉटीनो भी बहुत डरते हैं, बना एम को करना पड़ता है इसका। फ्रेंड्स में ना हाथों में वो हो गया दर्द से, अब इसको प्रेस करना पड़ता है ना तो दर्द होता है, और मेरे एक हाथ में जान आ गई। ओके तुम तो नहा लो, तुम नहाते ही नहीं हो, ये बच गए ये देखे ना। अभी मैं इन पर देखना इतना खतरनाक स्प्रे करता हूँ ना, ये शायद ना अभी बच्चे हैं,
अभी ये इनको नहलाऊंगा फिर अच्छे से, फिर मैं इनको नहलाऊंगा, फिर ये खुद ब खुद आराम आराम से सूख जाएंगे, क्योंकि आपको तो पता है कराची में कितनी धूप है। आप भी नहा लो फ्रेंड्स, बहुत कराची में धूप है। अभी मेरे एक और हाथ में दर्द हो गया और एक और हाथ में, इन पर मुझे ना स्प्रे बहुत कम में करते हैं, इन पर स्प्रे करो मैं तो अंदर भाग जाती हूँ। फ्रेंड्स अभी सब पर माशाल्लाह से स्प्रे हो चुका है, अब इनको ना बस ठंड तो इनको लगती नहीं है, गर्मी इनको बहुत लगती, तो इस वजह फ्रेंड्स इन पर हो चुका है स्प्रे। अभी मैं आऊँगा अपने किस कमरे में, और ना यहाँ ना मेरा भाई ना सो रहा है, अभी आप जैसा देख सकते हैं अभी मेरा भाई मदरसे से इतना बड़ा बंका लगाकर सो रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता है कराची में है कितनी गर्मी, तो अभी हमारे टीवी पर थोड़े बहुत गाने चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको भी बता रहा था, अभी ना तो अभी तो मैं इस वीडियो को बंद करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा मैं मदरसे कैसे तैयार होता हूँ, अब मैं आपसे मिलता हूँ मदरसे के टाइम। तो फ्रेंड्स अभी टाइम तकरीबन हो रहा है 2:00, बहुत टाइम हो चुका, मुझे तैयार होना चाहिए, अब मैं मदरसे की अपनी आउटफिट निकालूँगा, अब मैं मदरसे की आउटफिट यहाँ मैं अभी मदरसे की मैं आउटफिट निकालता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैंने अपने निकाल लिए कपड़े, मेरे कंधे पर हैं रखे हुए वाइट कुर्ता शलवार, और मैं अभी इनको पहनता हूँ, मैं फिर आपसे मिलता हूँ। चलो फ्रेंड्स अभी हमने इनको पहनते हैं बट उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं हो चुका हूँ रेडी शेडी, वो पीछे माँ चल रहा है टीवी और उसको कोई देखते देखते हैं नहीं, अभी ये मेरी आज की टोपी, अभी मैं बनाऊंगा हेयर स्टैंड नहीं बाल बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा मदरसे, क्योंकि ना मेरे जिन्हें बाल उलझे हुए बहुत होते हैं, तो अभी मैं बनाऊंगा अपना हेयर स्टाइल, अभी इसको यहाँ सेट अप करके मैं अपने इस चूड़े से अपने बाल अच्छे से बनाऊंगा। पप्पू बच्चा हूँ भाई मैं, बर्गर बच्चा अच्छे बच्चों की तरह, तो हम पहले दिन जाएंगे मुझे चिकन बॉक्स और ड्रेस में दिन से जाने मिलता था, और कर साहब ने भी पकड़ पकड़ कर मैं दिन से कहा थे, और कर साहब से कहा थे हमारे कर साहब ऐसे हैं जो गुस्से वाले। तो चल तो भाई साहब फ्रेंड्स अभी मैं पहन परफेक्ट बिल्कुल अच्छी सी मेरे पहले टोपी, ये भी अपना स्पा उठाते हैं और जाते हैं मदरसे। तो चलो फ्रेंड्स अभी मैं जा रहा हूँ मदरसे, उसके बाद मैं आपसे आकर ना मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका हूँ मदरसे से, और आपको लग रहा हूँ अंधेरा अंधेरा, क्योंकि ना फ्रेंड्स आपको तो पता है कराची में इतनी गर्मी है, और अभी मुझे बहुत पसीना आ रहा है। तो अभी हम ये जो हमारा असान नमाज है इसे हम रखते हैं इस जगह, ये हमारी इस पारों की जगह इसे रखते हैं आप। और फ्रेंड्स मैं अभी आपको दिख रहा होगा मैं किस आउटफिट में हूँ। फ्रेंड्स अभी देखते हैं टाइम क्या हो रहा है, अभी 4:09 हो रहे हैं, अभी मुझे ट्यूशन जाना है, लेकिन अभी नहीं जाना क्योंकि जो मेरी ट्यूशन वाली बाजी उनने मेरी टाइमिंग चेंज कर दी थी, क्योंकि ना वो स्कूल पर पढ़ाती तो ना थक जाती थी, उनने हमारी जो स्कूल की टाइमिंग है वो चेंज कर दी, सॉरी ट्यूशन की टाइमिंग, और आप जैसे देख सकते हैं मैं इतना हसीन लग रहा हूँ इतने लंबे बाल के साथ। और अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, फ़ोन थोड़ा सा आला देख लूँगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको ना मिलता हूँ अपना अब जब मैं आपसे मिलता हूँ 4:30 पर,
अभी के बाद 5:30 पर, लेकिन मैं तैयार होता हूँ। मैं मेरा आपसे 5:10 पर, जब 5:10 पर फिर हम अपने पहुँचे ठीक अच्छे से। और अभी ये है मेरा अच्छा सा बैग, और ब्लैक कलर का माय फेवरेट कलर। अभी मैंने स्कूल जाना जब लगूंगा तो मैं एक बहुत अच्छी सी अच्छा सा एक बैग मंगाऊंगा। और आगे मेरा भाई भी व्लॉग करेगा और मैं उसे बोल देता हूँ, फिलहाल भाई आपने भी व्लॉग करना है मैं जाऊँगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ ट्यूशन से, तो आपका और अभी के लिए मुझे। तो हाय फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका था ट्यूशन से, और ना मैं जल्दी आ गया था, मैं ना झूला लेने चला गया था। तो मैं आया और यहाँ मेरे पापा ना हिजनी तोते इनका ना थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, और एक और सरप्राइज़ है वो मेरे भाई के हाथ में। अभी ना हम ना बड़ी वाली जो हमारी लाइट है वो ऑन करते हैं, फिर ना मैं आपको वो सरप्राइज़ दिखाता हूँ। तो अब ये लाइट जल चुकी है और आपको हम सरप्राइज़ दिखाएंगे। तो अभी मेरा भाई उनमें डाल है, और ये जो वो वाला पिंजरा था ना जिसके अंदर मैं मेरा भाई को डाल है, उसमें तोते थे वो फ्लावर तोते, वो हमने अंदर शिफ्ट कर दी, क्योंकि वहाँ हमने एक और चीज़ लाई है वो हम आपको दिखाएंगे। जब मैं आया था मदरसे से, मेरे पापा बोले थे जाओ यार नीचे से ना तोते लाओ, तो मैं समझा एन के। तो अभी मुझे पता चला इतना बड़ा सरप्राइज़, और उनके लिए इतना बड़ा सरप्राइज़, मेरे लिए तो बहुत बड़ा। अभी एक तो उसने छोड़ दिया, आपको आवाज़ आ रही होगी हल्की हल्की, और पापा लव पापा। तो अभी मैंने आपको गलती से बोल दिया, मैं बता रहा लव बर्ड है ना ये, तो बाहर निकलो ज़रा मैं दिखाऊंगा। तो फ्रेंड जैसा आप देख सकते हैं इतना बड़ा सरप्राइज, ये लव बर्ड की किसे में ना, हाँ ये ब्लू बसमाटा की मेल है, और नहीं ये फीमेल है ब्लू बसमाटा की, और ये मेल है वो भी मेल है। वाइट और वाइट वाइट भी है, नहीं वाइट तो आपने जैसे देखा मेरे भाई ने आपको इतना अच्छा सरप्राइज दिखाया, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दिएगा। तो और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, तो मैं आपको ये बोल रहा था, अभी आपको आप बताना आपको हमारे ये कैसे लगे, और अगर आज के आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे चैनल अयान बर्ड हाउस को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दिए, अल्लाह हाफिज़।